एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आप लोगों का पूजा बिटू ब्लॉग्स में एक बार फिर से। तो आप लोग सब लोग कैसे हो गाइस? मैं भी अच्छी हूँ, आप लोग भी अच्छे होंगे। और ये है आज शाम की ब्लॉग वीडियो। जैसा कि आप लोग देख रहे हो, शाम का टाइम का ये वीडियो है। तो शाम में के रात के खाने में बन रहा था आज यहाँ पे मेरे घर कुंदरी का भुंजिया और आलू का भुंजिया और चावल दाल पापड़ चिप्स। ठीक है, चिप्स तो मतलब जो मतलब चरोरी जो होता है ना, मतलब कटिंग वाला जो चरोरी होता है जो मार्केट में मिलता है ना, भिंडी टाइप का रहता है वो आता है, क्योंकि घर वाला जो चरोरी होता है वो ज्यादा इतना टाइम तक चल नहीं पाता है, तो खत्म हो चुका है वो सब। तो जो मार्केट से मिलता है ना, वही मार्केट से ही लाके वही बनता है, मेरे घर छनाता है और वो ना अच्छा भी लगता है। हमको तो ज्यादातर वही अच्छा लगता है और मेरी बेटी को भी वही अच्छा लगता है। ऐसे घर वाला ना चिप्स मुझे ज्यादा अच्छा लगता है, जो चिप्स आलू का कटाता है ना, जो मतलब सुखा के और उसके बाद 2-3 दिन सूखता है हवा में, मतलब धूप में, और उसके बाद उसको छानो ना, तो वो मतलब खाने पी मतलब जब भी चावल दाल भी बने ना, तो उसके साथ 2 चिप्स बहुत अच्छा लगता है। 2-4 चिप्स अगर छान लो तो वो ना खाने में मतलब अच्छा लगता है, ठीक है, खाने के साथ। और उसके बाद मेरा कुंदरी का भुंजिया कटा चुका है, तो मैं एक तरफ ना भुंजिया को छोंक दी और उसके बाद ना आलू का भुंजिया काट ली थी बैठ के, और उसके बाद यहाँ पे दाल को सेट कर ली। दाल में मैंने एक टमाटर डाल दिया था, क्योंकि टमाटर ज्यादा था नहीं, टमाटर खत्म पे ही था। तो कल मार्केट मम्मी जाएगी तो फिर से सारा मतलब साग सब्जी सब लाएगी, और मेरे घर ज्यादा साग सब्जी से ज्यादा सबसे ज्यादा खपत होता है आलू। मतलब घर में जितना भी मतलब बच्चे लोग भी होता है ना, बच्चे लोग का सबसे फेवरेट आलू ही होता है। आलू का भुंजिया हो गया, आलू का सब्जी हो गया, आलू का पराठा हो गया, मतलब सब कुछ आलू का ही ज्यादातर मेरे घर में सबको मतलब पसंद आता है, तो इसलिए आलू ज्यादा खपत होता है, मतलब साग सब्जी से ज्यादा आलू खपत होता है। तो यहाँ देख सकते हो, आलू का भुंजिया मैं बना रही थी, तो मैं ना चरखुट चरखुट टाइप का काटती हूँ। और उसके बाद खाना वाना मतलब आधा खाना मैं बनाई थी, सिर्फ चावल बनना बाकी था। और उसके बाद मेरा ना तबीयत थोड़ा सा बिगड़ गया था, तबीयत ठीक नहीं लग रहा था, पेट में दर्द हो गया था, तो मैं जाके आराम करने लगी थी। और फिर मम्मी और मैं ना लेट से खाना खाए थे, जब थोड़ा सा आराम मुझे हुआ ना, जब परी सो गई, परी को मैं दूध गर्म करके दे दी थी, तो मैं रिकॉर्डिंग नहीं कर पाई क्योंकि ना तबीयत ही ठीक नहीं था। और उसके बाद फिर परी को दूध पिलाई, और उसके बाद मैं ना 10-11 बजे तक हम मम्मी दोनों आराम मुझे लगा ना थोड़ा सा, तब हम लोग जाके खाना खाए थे, ठीक है। और उसके बाद उसके अगले दिन से मेरा तबीयत ठीक नहीं था, पेट में दर्द अभी भी मेरा था, ठीक है। तो इसी की वजह से ना लेट से मैं उठी थी, मतलब लेट से तो ऐसे मैं 7-7:30 बजे तक उठती हूँ हमेशा, लेकिन आज 8 बजे तक उठी थी, क्योंकि उठते ना तो लगता है कि फिर से पेट में दर्द होगा, फिर से मतलब दर्द रहता है, तो ध्यान ना ज्यादातर होता है कि सब सारे चीज को छोड़ के ना दर्द पे ही ध्यान चल जाता है, ऐसा हो जाता है, मतलब वही हो जाता है कि पेट दर्द कर रहा है, पेट दर्द कर रहा है। और दवा मतलब हमेशा दवा खाना नहीं चाहिए, इसीलिए दवा मैं नहीं मंगाती हूँ। कभी कभी होता है कि दवा मतलब जब कंट्रोल से ज्यादा हो जाए तब मैं दवा खाती हूँ, लेकिन ऐसे मैं हमेशा दवा नहीं खाती, ठीक है। तो यहाँ पे उसके बाद यहाँ पे परी को मैं यहाँ पे ना सो के उठी थी, और उसके बाद चाय लाई थी, और चाय या बिस्किट परी को मैं यहाँ पे खिला दे रही हूँ, क्योंकि बच्चा है ना, बच्चा पे तो माँ मतलब माँ का कितना भी तबीयत खराब हो, चाहे कुछ भी हो, मतलब कोई भी सिचुएशन में हो, लेकिन सबसे पहले मतलब बच्चा पे मतलब असर करता है। बच्चा मतलब ज्यादातर बच्चा को ना माँ का ही जरूरत रहता है, और खाना खिलाओ या तो पानी, मतलब कुछ भी हो ना, परी ना अगर मेरी तबीयत भी खराब होता है तो मतलब दिन भर में कम से 100 बार तो मेरे पास आती है, 100 जितना मतलब जिस दिन मैं ज्यादा तबियत खराब होता ना उस दिन परी और ज्यादा मुझे तंग करती, ठीक है। तो परी पे तो मेरा ध्यान ज्यादा ही रहता है, क्योंकि तबियत खराब तो और ज्यादा हो जाता है, और मेरी बेटी ज्यादा खाना पीना का ज्यादा तो ध्यान मतलब सब कुछ मैं ही रखती हूँ, मतलब उसको कब मतलब भूख लगता है नहीं लगता, कब उसको खाने का मन होगा नहीं होगा, क्या देना है नहीं देना, क्या खाती है, सब कुछ मुझे ध्यान देना पड़ता है। ऐसे मतलब कुछ ना कुछ ऐसे मैं ठीक रहती हूँ, तो ज्यादातर मैं कुछ ना कुछ उसके हाथ में देती ही रहती हूँ कि कुछ ना कुछ खाते ही रहे। लेकिन ऐसे तबियत खराब हो जाता है ना तो लगता है ना कि सिर्फ सो जाऊं, दर्द मतलब दर्द बर्दाश्त नहीं होता है, तो लगता है ना कि सो जाऊं और आराम करूं, और नींद कोई मतलब उठा ना दे, क्योंकि उठा देने के बाद ना ये हो जाता है कि फिर से मुझे दर्द होगा, फिर से मतलब पेट दर्द मेरा ना होता है कि बर्दाश्त नहीं होता है, बर्दाश्त से बाहर हो जाता है, मुझे उतना कंट्रोल नहीं हो पाता मुझसे। तो फिर मैं उसके बाद ना थोड़ा सा मुझे ठीक लगा, तो आज मैं उसके बाद नहाई, और परी को भी नहा दी थी मैं, तो मैं और परी दोनों नहा चुके हैं। तो परी को मैं कपड़ा ऊपर सब पहना के, ड्रेस उसका पहना के उसको ना नीचे छोड़ दी थी, और उसके बाद जो कपड़ा मैं धोई थी, क्योंकि परी का जो होता है उसको तो धोना ही पड़ जाता है, क्योंकि परी का पैंट उंट रहता है तो वो ना भींगा भर रह जाएगा, तो फिर मतलब दिक्कत हो जाता है। बच्चे लोग का सबसे ज्यादा जरूरत होता है बच्चे का कपड़ा का, मतलब हम लोग तो होता है कि कुछ भी पहन ले कुछ भी चेंज करके, मतलब बच्चे लोग का होता है ना सबसे ज्यादा उसका पैंट का इस्तेमाल आता है, क्योंकि सुसु बच्चे ज्यादा करते हैं ना, इसी की वजह से उसका पैंट में ज्यादातर भींगे नहीं छोड़ती हूँ हमेशा, अगर सुसु कर दी ना तो उसको धो के वापस सार देती हूँ ताकि वो सूख जाए, और रूम में ही हवा में पंखा के पास ही दे दूंगी, लेकिन दे दूंगी क्योंकि उसका पैंट सूखता नहीं है ना, तो बहुत ज्यादा टेंशन हो जाता है इसी
की वजह से। और उसके बाद मैं छत पर से सारा कपड़ा छत पर पसार के आ गई, और उसके बाद मैं सोची थोड़ा सा बाल को ठीक कर लेते हैं और सिंदूर उन्दूर लगा लेते हैं, क्योंकि बाल में तो ना आने के बाद ना सिंदूर नहीं रहता तो मांग पूरा खाली खाली लगता है, फेस मतलब अजीब लगता है, क्योंकि शादी के पहले था ना कि मतलब कुछ भी बिंदी उंदी नहीं लग, मतलब बिंदी लगाते तो अजीब लगता था, और अब ना ऐसा हो जाता नहीं, शादी के बाद बिंदी ना लगाओ तो अजीब लगता है, बहुत ज्यादा अजीब लगता है, मतलब खाली खाली पन जैसा लगता है, लगता है कि कुछ छूटा हुआ है, मतलब कुछ छूटा हुआ है ऐसे फेस, मतलब छूटा छूटा जैसा लगते रहता है, खाली खाली पन जैसा। तो और उसके बाद मैंने यहाँ पे कंघी से अच्छे तरीके से पूरा बाल का जो लट होता है ना वो छुड़ा लेती हूँ, क्योंकि लट मैं ज्यादातर मतलब टाइम नहीं मिलने की वजह से ना मैं नहीं कर पाती हूँ, ऐसा हो जाता है, क्योंकि टाइम मतलब बाल अच्छे तरीके से झाड़ू तो उसके लिए टाइम चाहिए, क्योंकि बाल में लट बहुत ज्यादा होता है और उसको छुड़ाने में टाइम लग जाता है, इसी की वजह से मैं मतलब क्या करती हूँ ना ऊपर ऊपर झाड़ के और उसको फोल्ड करके ऊपर लगा लेती हूँ क्लचर। तो मैं अच्छे तरीके से आज पूरा अच्छे तरीके से लट को पूरा छुड़ा ली थी, मतलब लट को पूरा मतलब हटा ली थी, ठीक है। और उसके बाद मैं यहाँ पे सिंदूर लगा लूंगी और बिंदी लगा लूंगी, मेरा हो चुका है। मैं घर में ज्यादातर कुछ भी फेस में नहीं लगाती हूँ, क्रीम व्रीम भी जब मैं बाहर जाती हूँ ना मार्केट जाना हुआ या तो कुछ हुआ तब मैं क्रीम लगाती हूँ, ऐसे मैं क्रीम नहीं लगाती क्योंकि मुझे खुद ही अच्छा नहीं लगता घर में क्रीम लगाना पाउडर लगाना, मतलब उतना तैयार होना, क्योंकि कभी कभी होता है शाम के टाइम होता है ना हम लोग बाहर निकलते हैं तो शाम के टाइम घर में भी थोड़ा बहुत हो जाता है कि तैयार होके रहना चाहिए ऐसे, मतलब हम लोग महिला वो लोग महिला लोग को ना ज़्यादातर घर में भी मतलब थोड़ा सा अच्छे तरीके से रहना चाहिए, क्योंकि महिला लोग का यही होता है सर श्रृंगार यही सब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। महिला लोग के लिए वही होता है कि सर शादी के बाद ना श्रृंगार कर, मतलब श्रृंगार तो समझो तो, लेकिन नेल पेंट पैर में अलता ये सब रहना चाहिए, बिंदी सिंदूर चूड़ी ये सब मतलब रहना चाहिए, हमेशा रहना चाहिए, सब के बिना नहीं रहना चाहिए महिला लोग को, ठीक है। और उसके बाद मैं यहाँ पे खाना खाने के लिए आ गई, तो मैं यहाँ पे परी के लिए भी ले ली थी चावल और खुद के लिए, तो आज बना था बेसन का सब्जी, तो पकौड़ी बना के जो बेसन का सब्जी बनता है ना वो बना था, ठीक है। आप यहाँ पे पापड़ नहीं चिप्स था, तो चिप्स जो छाने थे हम लोग ना वो ले लिए थे। और परी उसके बाद ना परी को ना कभी कभी होता है कि चावल बिल्कुल भी खाने का मन नहीं रहता, तो एक मतलब एक बार भी मुंह में नहीं डालती बिल्कुल भी नहीं, उसका मन पे है कि मन अगर अच्छा हो ना मन अगर खुश हो तो खा सकती है खा लेती है, लेकिन जब मन नहीं हो ना तो कुछ भी मतलब खाने के लिए कितना भी आप जिद कर दोगे तब पर भी नहीं खाएगी। और मेरा मंगलसूत्र जो था ना वो परी रात में ही तोड़ दी है, तो मैं खोल के रख दी थी कि बाद में उसको जोड़ूंगी ना तब पहनूंगी, ऐसे ना गला खाली खाली लग रहा है ऐसे वीडियो में भी पता चल रहा है। और उसके बाद यहाँ देखिए बेसन का सब्जी का एक पकौड़ी मैं ली थी, यहाँ पर चावल मैं अपने लिए परी के लिए ली थी, लेकिन परी नहीं खाई थी वैसे ना मैं आधा ही चावल खा पाई, और तबीयत नहीं ठीक था ना खाना भी अच्छा नहीं लगता, मतलब सब कुछ फीका फीका जैसा लगता है। और यहाँ देखते तो परी का भी बाल भी सूखा हुआ नहीं, तब मैं उसको ना बाल खोल के और उसके बाद उसको बाल को सुखा के उसके बाद ना छोड़ दूंगी, थोड़ा सा तेल उल लगा दूंगी उसका बाल में, उसके बाद उसको बांध दूंगी। यहाँ मकई पका था, तो यहाँ मैम ना मकई नहीं खाती, मुझे उतना पसंद नहीं है मकई, बाद गाइस मैं यहाँ पे परी के लिए दूना नहीं आ गई थी, परी को चावल खाई नहीं तो कुछ ना कुछ तो खाएगी ही ना, तो मैं यहाँ पे दूध में हॉर्लिक्स डाल के परी को कटोरी में ला के पिलाई थी, क्योंकि चूसनी में देती हूँ तो ये पीती नहीं है और उसी में रह जाता है वो खराब हो जाता है, फिर उसको मतलब धोने का पानी में गर्म पानी में मैं उसको धोती हूँ तो हूँ, लेकिन ना मतलब दूध तो खराब हो जाता है, दूध वेस्ट भी हो जाता है, इसी की वजह से मैं ना कटोरी में लेके आती हूँ कि कटोरी में पीले आज मैं सामने इसको पिला भी दूँ। और उसके बाद ये फोन देख रही है, फोन देखते देखते ना पी भी लेती है, और कुछ मतलब चावल वावल होता है फोन देखते देखते मैं इसको ज्यादातर खिलाती हूँ, क्योंकि थोड़ा सा ध्यान हटता है ना इसका तो कुछ भी खाते जाते इसको पता ही नहीं चलता कि क्या खा रहे हैं। और मैं यहाँ पे बीच में ना बिछाई हुई हूँ ना वो ना रात में परी के लिए गर्तन में बिछा देती हूँ, जहाँ परी सुसु करती है, सुसु करती है ना बीच में तो मतलब गड्ढा टाइप का हो जाता है, गड्ढा खराब हो जाता है, इसीलिए मैं यहाँ पे गर्तन बिछा देती हूँ जहाँ भी परी जहाँ परी सोती है, तो वहाँ पे सुसु करने का डर रहता है ना इसलिए बिछा देती, ठीक है। आज का ब्लॉग वीडियो आप लोगों को कैसा लगा गाइस आप लोग कमेंट करके जरूर बताना, और मेरे चैनल पे अगर अभी तक नए आए होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आप लोग के पास मेरी न्यू वीडियो पहुँच पाए, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग, वीडियो मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट ब्लॉग वीडियो में।